हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं अनुप गोस्वामी आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना। इस पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे डेली लाइफ में, चलिए देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में लाइन से गिवन है। ये 5 or 6 पॉइंट्स हैं या क्वेश्चन आस्क्ड है पीएच से रिलेटेड, टॉपिक वाइज है ये। इसमें से हर साल किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता ही आता है। तो ये सिक्स में जो सिक्स टॉपिक्स गिवन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। मैं सारा यहाँ पे आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूँगा, उसको ठीक से करिए। एक क्वेश्चन तो पक्का इसे आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो जो पहला है, जो फर्स्ट है, वो क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब जो मेन टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? यस, होते हैं। कैसे होते हैं? नॉर्मली हमने देखा है जो हमारे बॉडी का जो पीएच रेंज है वो 7 और 7.8 के बीच में लाई करता है, ठीक है। किसके बीच में लाई करता है? वो 7 to 7.8 के बीच में हमारे पीएच रेंज लाई करते हैं, हमारे बॉडी के पीएच रेंज, ठीक है। तभी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी रेंज इसमें रहते हैं, तभी वो सर्वाइव। इसमें पीएच के वैल्यूज में या पीएच रेंज में ज़्यादा चेंजेस हमें नहीं आनी चाहिए, हमारे बॉडी में नहीं आनी चाहिए। अगर पीएच रेंज में ज़्यादा चेंज आता है तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब उनका जो पीएच रेंज हो ज़्यादा डिफर ना करे, ठीक है। तो हमारे बॉडी का पीएच रेंज यहाँ पे पता चल गया 7 to 7.8 होता है। अब और एक चीज़ हम जानते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जो रेन होता है ना, जो रेन वाटर होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, जो भी एनवायरनमेंट है जिस सिटी के उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का कंडीशन आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हालांकि आजकल कोरोना के वजह से सारी की सारी जितनी भी सिटीज़ हैं सारी की सारी साफ हो चुकी है, मतलब पोल्यूशन फ्री हो चुकी है ऑलमोस्ट, है ना। हमारे जो वाटर है वो भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है, गंगा वाटर हो गया, यमुना वाटर हो गया, मतलब नेचर इज क्लीनिंग इटसेल्फ, है ना, नेचर अपने आप को साफ कर रहा है, ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम उस वक्त की बात करते हैं जब ये कोरोना था ही नहीं, उस वक्त हमने देखा था सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन में मेन जो पोल्यूटेंट्स होते हैं आपको पता है क्या होते हैं? स्मोक होते हैं, व्हीकल एग्जॉस्ट होते हैं, चिमनी एग्जॉस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर कुछ पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। क्या पाया जाता है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और कार्बन के भी ऑक्साइड्स होते हैं। जब ये रेन वाटर के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है? एसिड रेन बनाता है। क्या बनाता है? एसिड रेन। जैसे आप मान लो कि जो सल्फर के ऑक्साइड्स है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब ये रेन वाटर से मिलता है तो ये सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस टाइप का एसिड बनाता है। कार्बन के जो ऑक्साइड्स है वो कार्बोनिक एसिड बनाता है। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है वो नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जब भी ये ऑक्साइड्स हमारे रेन वाटर से मिलते हैं तो ये एक टाइप के एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हमारे रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है तो उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो ये किसके वजह से है? क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स है उसके वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, देख रहे हैं आप, तो अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं एसिड रेन। और ये जो एसिड रेन होते हैं ये करोजन पैदा कर, इट करोड्स द बिल्डिंग्स। आपने देखा होगा कई कलर्ड बिल्डिंग्स होते हैं उसको ये फेड हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो करोड द प्लांट्स लीव्स, लीव्स को भी करोड करते हैं, ठीक है। और जो गाड़ियाँ होती हैं उनके कलर को भी ये ऑलमोस्ट करोड करते हैं कुछ हद तक, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो कलर्स फेड हो जाते हैं अगर ऐसी ड्रेन अगर हो उधर बारिश वरिश हो तो उसके वजह से होता है। अब कुछ और भी रीज़न होते हैं जैसे धूप की वजह से भी फेड होते हैं। तो आपको एसिड रेन पता चल गया, एसिड रेन बहुत हार्मफुल होता है अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो जाए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि जो भी एसिड रेन होते हैं वो
बारिश के बाद ये फ्लो होके थ्रू ड्रेन्स जो नाले होते हैं उसके थ्रू ये रिवर में जाते हैं। तो अगर ये रिवर में जाते हैं तो रिवर का भी पीएच को ये इफेक्ट करते हैं, इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर कर सकते हैं। तो अगर उसके पीएच को भी कम करेंगे तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक स्पीशीज है, उनको भी दिक्कत आ सकती है ना। तो ये क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर विच मेक्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट। ठीक है, उनके सर्वाइवल में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये देख लीजिए, आपको तीन पॉइंट्स याद करना है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है, मैंने बताया कि नॉर्मली अगर एसिडिक कंडीशन हो, मतलब रेन वाटर अगर एसिड है, एसिडिक रेन वाटर हो रहा है, या सपोज आप मान लो जिसको हम बोलते हैं अगर एसिड रेन का इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे एनवायरनमेंट में, अगर ये हम उसमें नहाते हैं, सपोज आप जाके उसमें नहा रहे हैं, तो उस वक्त भी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमारे बॉडी के ऊपर एक वाइट स्पॉट जैसे कुछ पड़ जाते हैं, है ना। मतलब ये भी हमें बोला जाता है कि फर्स्ट रेन में, जो बारिश के मौसम का पहली जो बरसात होती है, जो फर्स्ट रेन होती है, उसमें नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, नहाने क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हो सकता है रेन एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो हमारे बॉडी के ऊपर भी पड़ेगा तो हमारा बॉडी भी रेन वाटर से मतलब एक सेंसिटिव है, इट इज सेंसिटिव टू रेन वाटर, तो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये मना भी किया जाता है। तो ये थ्री पॉइंट से आपको लर्न करना है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, क्योंकि हमारा जो बॉडी पीएच रेंज है 7 to 7.8 है, और अगर पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 हो जाता है तो ये एसिड रेन कहलाता है, और ये एसिड रेन अगर रिवर में जाता है तो रिवर का पीएच भी लोअर कर देगा, और रिवर का पीएच लोअर होगा तो लाइफ, जो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ है, वो भी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एसिड रेन किसे कहते हैं, आप ये याद कर लेना एसिड रेन क्या होता है, जब एसिड पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 हो जाए उसको हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एक नोट मैंने दिया है, दैट इज हम जानते हैं जो प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस है और मार्स है, इट इज वेरी नियर टू अर्थ, है ना, अर्थ के आसपास है ये दोनों ही। तो जो वीनस है, द एटमोसफियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ अ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड S2SO4। आपको पता है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एटमोसफियर है वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड ही पूरा उसी का कंडीशन है तो पूरा एटमोसफियर ही एसिडिक हो गया, तो समझ लो वहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन पूरा क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे लाइफ डिफिकल्ट है ना, मुश्किल है वहाँ पे लाइफ। तो ये एसिडिक क्लाउड्स और थिक वाइट क्लाउड ये बताते हैं कि जो एटमोसफियर ऑफ वीनस है वो एसिडिक बाई नेचर होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक टॉपिक, द आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, सो हमारा जो अगला इसमें टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है, दैट इज व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। हम मान लो हमने एक बैकयार्ड बना रखा अपने घर में, तो उसमें हमने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, तो जो भी सॉइल है उसका पीएच क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होता है, उसी में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो जो सॉइल का पीएच हो वो ज़्यादा एसिडिक हो, है ना, वो एसिडिक हो जाएगा तो प्लांट्स का जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा नहीं होगा, उसका ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमें पीएच, जो सॉइल का पीएच है वो हमें चेक करना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट भी ये सजेस्ट करती है चेक करने के लिए जो पीएच वैल्यू है। तो हम देख रहे हैं कि प्लांट्स का एक स्पेसिफिक रेंज होना चाहिए पीएच का, जिसमें वो अपने हेल्दी ग्रोथ को मेंटेन करके रखे। ठीक है, अब आजकल क्या होता है
कि प्लांट्स को बचाने के लिए और उसको उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम टू मच फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, ठीक है। जो फार्मर्स होते हैं बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। और साथ में इसके इसके बाद भी जब प्रोडक्शन होता है तो जो पेस्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं, इनसे बचाने के लिए भी उसमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स डाल दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड्स, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे केमिकल्स का भी ऐड किया जाता है आफ्टर केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्शन है उसमें कीड़े ना लगे, इंसेक्ट्स उसको ना खाएं। तो इस तरीके से देखा जा रहा है तो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल हम ऐडअप कर देते हैं, जिसके वजह से जो सॉइल का पीएच वैल्यू हो तो क्या होता है, वो गिर जाता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए सॉइल का जो नेचर होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। समझ में आया आपको, सॉइल का एसिडिक नेचर क्यों हो सकता है, क्योंकि उसमें टू मच फर्टिलाइजर हम ऐड कर देंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या प्लांट्स को उसके ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। तो इसके वजह से जो पीएच होता है सॉइल का वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब लोअर, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द सॉइल, दैट इज ये एसिडिक हो जाता है बाय नेचर। और अगर किसी भी सॉइल का पीएच अगर एसिडिक बाय नेचर हो जाए तो जो भी उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है, उसे पोरस बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो जाएगा, है ना, वो मर जाएंगे। दिस एसिडिक नेचर किल्स द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ होगा वो ठीक नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है। और इसका प्रिवेंशन क्या है, अगर किसी का पीएच वैल्यू, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके आपके बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी को बोला है इस टॉपिक में करने के लिए, आप उस एक्टिविटी को करोगे तो मैंने आपको बता दिया कि पीएच किस लिए डिक्रीज हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। अगर इस पीएच वैल्यू को दोबारा फिर से मेंटेन करना हो, मतलब स्पेसिफिक रेंज जो प्लांट्स के लिए सूटेबल हो, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ना मरे, अगर वैसा करना है तो क्या करेंगे, तो इसमें आपको पता है हम अगर नेचर एसिडिक हो जाए तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेस ऐड कर सकते हैं। तो बेस में क्या ऐड कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये चूना हो गया, चूना, ये चूने का, ये नॉर्मली चूना है, चूने का पानी है, ऐसे समझ लो, है ना। तो ये हम ऐड करके, ये बेसिक इन नेचर होता है, ऐड करके हम सॉइल को न्यूट्रल बना सकते हैं। और जब सॉइल न्यूट्रल हो जाएगा फिर से आप उसमें ग्रो कीजिए, प्लांट हो सकता है वो प्लांट अच्छे से ग्रो, ठीक है। तो ये है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन आवर बैकयार्ड। तो जो सॉइल का पीएच है हमेशा चेक करना चाहिए कि वह कैसा है, ठीक है। हम आपको दोनों नेचर मैंने बता दिया, अगर एसिडिक हो गया तो उसको बेसिक करने के लिए हम क्या ऐड करके मिला सकते हैं, सॉइल में मिला के हम उसको न्यूट्रल बना सकते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हमने कर लिया कि जो बैकयार्ड होता है उसका पीएच ऑफ द सॉइल हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो थर्ड टॉपिक है, फर्स्ट हमने पहले डिस्कस किया था, सेकेंड था, ये थर्ड टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच क्या होना चाहिए। तो आपको, आप सबको पता है कि हमारा जो स्टमक है ये HCl प्रोड्यूस करता है ना, क्या प्रोड्यूस करता है, HCl एसिड प्रोड्यूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारा फंक्शन है इस HCl का, लेकिन आप यहाँ पर डाइजेशन की बात करें तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और इसमें दिक्कत क्या आती है, कई बार आपने सुना होगा कि एसिडिटी की शिकायत होती है लोगों की, एसिडिटी हो गई, पेट में दर्द होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है ना, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है नॉर्मली। तो हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, और ड्यू टू ओवर ईटिंग की वजह से या इनडाइजेशन की वजह से क्या होता है, उसमें हमारे पेट में पेन होता है या इरिटेशन होता है, ठीक है, या उसको हम बोल लें कि वो एसिडिटी हो जाती है एक टाइप की, ठीक है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा पेट टू मच HCl बनाने लगता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनाने लगता है, इसी वजह से होता है। आप लिख रखा मैंने, ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, उसके वक्त मतलब इनडाइजेशन की वजह से टू मच एसिड बनाने लगता है, विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं।
और उसके बाद इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हम एंटा एसिड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटा एसिड क्या करता है, एसिडिटी का वो अपोजिट काम करता है, ओपोनेंट होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है जो भी एक्सेस एसिड है। तो हम कुछ ऐसा एंटा एसिड लेते हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो उस कंडीशन को न्यूट्रल बना देते हैं और हमें रिलीफ देते हैं, है ना। तो ऐसा ही हमने दो एंटा एसिड का नाम लिख रखा है, पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिक्स होता है आपके, आपको पता है कुछ पुदीन हरा होता है, इनो होता है, इसका लोग एग्जांपल देते हैं, उसमें ये मिक्स होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा, ये दो नाम आप ठीक से लर्न कर लें, ये फेमस एंटा एसिड्स हैं, इन्हीं का नाम। अगर कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एंटा एसिड्स के एग्जाम्पल दीजिए, तो ये दो नाम आपको याद रखना है, एक है बेकिंग सोडा, दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये हो गया पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको ध्यान से सारे पॉइंट्स को आप मेमोराइज कर लें, यही है, इतना ही जानना और कुछ नहीं जानना है आपको। ठीक है, ओके, हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।